ये सच्चा है वैसे, सूरत को नजर ना लगे। अच्छा, इसमें बद्दू ये लो, आप कुछ नया ही मिल गया आपको तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो रात को हम सोए थे यहाँ पे, तो क्या हुआ, रात को ठंड काफी थी और मैंने दो लेयर लगाई थी, एक तो रजाई लगाई थी और एक कंबल लगाया था जिसके अंदर मुझे ठंड नहीं लगी, लेकिन हमारे सलीम भाई इनको ठंड लगी क्योंकि इन्होंने खाली एक रजाई ली थी, है ना भाई, एक रजाई, हाँ तो एक रजाई की वजह से ठंड लगी थी काफी। बाकी अब हम बाहर चलते हैं और बाहर का थोड़ा आपका सुबह का नजारा दिखलाते हैं जैसा भी है, ठीक है। तो नजारा कुछ इस तरह से है सुबह का, मतलब मैं काफी लेट उठा हूँ, अभी बज रहे होंगे करीबन 8:30 के, बच्चे खेल रहे और लड़की कह रही है लाइक करें, कैसे करें, ठीक है ऐसे ये बोल रही है लाइक करें। तो सूरज ये निकल चुका है और नीचे का क्राउड आपको दिखला देते हैं कि नीचे चाय पानी चल रही है, सुबह सुबह का नजारा कुछ इस तरह से। तो मॉर्निंग में कुछ ऐसा हो गया है सुबह, मैं आपको थोड़ा दिखला देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखलाया था, कुछ क्राउड इस तरह से है, ठीक है। और अभी क्या है कि कुछ चलते हैं कहीं, अभी चलेंगे और कोलगेट वगैरह, मतलब टॉयलेट वगैरह अपना फ्रेश होके, और उसके बाद कहीं नहीं कुछ एक्सप्लोर करते हैं और कुछ दिखलाते हैं आपको। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं कुछ अगर मिल जाए तो, एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा इधर से जो है इस तरह से यहाँ पे जीने की साइड में से, मतलब एक ये रास्ता बंद है तो इस तरह से दिखता है। तो बाइक वगैरह अंदर ही लग जाती हैं यहाँ पे, तो अंदर ही लगा दी हुई हैं। और यहाँ पे मम्मी जो है चाय वाय पी रही हैं, छोटी बहन भी है, ये सब चाय वाय, नजर ना लगे। अच्छा, ये लो, आप कुछ नया ही मिल गया आपको तो। तो चाय कैसी बनी है? चाय भैया बस ऐसी है। तो बोल दो सबको, आप भी पी लो, आप भी पी लो, ठीक है। चाय दूध में पत्ती लगाई है, चाय पत्ती, हाँ तो बढ़िया बना रखी है चाय। तो अभी एक्सप्लोर में और जो भी आगे दिखलाते, रुबीना ऐसे कर दो, ये लो कुछ। अभी यहाँ पे सारे के सारे मतलब मेहमान आए हुए थे ना, तो ये बिस्तर भी बाहर की साइड में लगा रखे, 3-4 खाट है ना नीचे की साइड में, और ठंड काफी हो रही तो बच्चों को अपने लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक अंदर बैठे हुए हैं जो अभी हमारे आएंगे, उनसे बात बात कराएंगे हमारे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं, मडोना से थोड़ी सी दूर है एक तिसोना गांव है, ठीक है। तो तिसोना गांव में हम जा रहे हैं अभी, और हमारे साथ ये दो बच्चे भी जा रहे हैं, एक लव जा रहा है और एक पीछे वो जा रहा है, क्या नाम है बेटा? असद नाम है। तो अभी हम चल रहे हैं तिसोना गांव में, तो दिखलाते हैं वहां का जो भी एक्सप्लोर होता है दिखलाते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब नज़ारे तो ये देखो, मतलब ये ना छोल वगैरह इसको कहते हैं, छोल हो रही है, और ये पूरे जो है अभी गन्ने का जो है ये पूरा गन्ने का भी, हाँ तो गन्ने ही गन्ने आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये सामने से भैंसा बुग्गी आ रही है, जिस तरह से आपको दिखला दूँ, ठीक है। तो ये भाई हमारे जो है बुग्गी वाले हैं, और पीछे ट्रैक्टर आ रहा है। तो अभी हम जो है तिसोना गांव में पहुंच गए हैं, ठीक है। और ये गांव है, तो जिससे मिलने जा रहे हैं भाई से और जिन घर वालों से, तो उनसे मिलते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर कमेंट करके बताना, मतलब यहाँ की जो एक्टिविटी है सारी इस तरह से, गांव की तो आपको पता ही है जो जो गांव मतलब जानता है, बाकी जो गांव से नेचर के अंदर तो कुछ जो बातें होती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं। तो ये हमारे बाबा, ये भैंस बंध रही हैं, ठीक है, ये बाबा धार लगा रहे हैं। तो यहाँ धार लग रही है, धार लग रही है बाबा, सलाम अलैकुम। तो यहाँ धार लग रही है, हाँ। तो इसके अंदर ये भट्टी है, अच्छा ये भट्टी है इसके अंदर, अभी मतलब बंद हो गई, अभी कर दिए बंद। तो ये सारे के सारे धार लगाई है, अभी कच्ची धार है, अभी कच्ची धार लगा रखी है। तो अभी इसको मतलब और लगानी धार इसमें, है ना, अभी धार और लगेगी।
और ये हमारे कल वाले असलम भाई बैठे हुए हैं, अगर आपको नजर आ रहे हो तो चलो पहले उनसे मिलते हैं और फिर आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो असलम भाई सलामकुम, और कैसे हो? बस बढ़िया, बस तो अभी थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं यहाँ का, है ना, जो भी वो दिखलाते हैं अंदर का जो है ना व्यू, वो दिखलाते हैं आपको किस तरह से, है ना असलम भाई जी। तो ये घर का जो है, ये बकरी यहाँ पे चर रही है, मतलब खाना वाना खा रही है। ये क्या दे रहा बेटा? बकरी का बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते, मतलब इसमें बेर भी लगे हुए हैं और ये बकरी बहुत ही दिलचस्पी से खा रही है, मतलब मज़ा आ रहा है ज़्यादा से बड़ी। वैसे बाहर बन रही, जैसे मैंने आप ही आपको दिखलाया, थोड़ा सा और दिखलाऊंगा, एक्सप्लोर करूँगा। और बेटा सलाम अलैकुम, क्योंकि छोटे बच्चे तो करेंगे नहीं, तो बड़े बच्चों को करना चाहिए ना, ठीक है? चलो बढ़िया बात है। तो ये भाई हमारे, भाई क्या हाल चाल है, क्या नाम है भाई आपका? आदिल। आदिल भाई है हमारे, ठीक है। और भाई आप, क्या नाम है आपका? नदीम खान। नदीम जी हाँ। नदीम खान, तो भाई ये नदीम खान है। तो ये घर का जो है, यहाँ का जो हमारे तिसोना के अंदर है, ठीक है, ये हमारी बहन के यहाँ पे बहन ही है ना, तो क्या लगेंगे हमारे? बहनों ही थोड़ी लगेंगे, जीजा लगेंगे हमारे। अच्छा, बहनों ही लगेंगे और जीजा भी लगते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरह से गुलाब के फूल दिखलाते हैं ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा गुलाब का जो पेड़ लगा हुआ है, इसके अंदर देखो बहुत ही अच्छा, मतलब गुलाब है ना खिला हुआ है, मतलब बहुत ही जबरदस्त। और एक यहाँ खुला हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और घर की लोकेशन जो है इस तरह से है, और पीछे एक जामुन का पेड़, यही है ना जामुन का पेड़? हाँ हाँ। तो इस पर बहुत बड़े बड़े जामुन आते हैं, है ना। आ जाओ पीछे चलते हैं, दिखलाते हैं पीछे और कुछ घर। अस्सलाम वालेकुम। और ये पीछे का मतलब इसको क्या बोलते हैं? झोड़। झोड़, झोड़। अच्छा, इसको झोड़ बोलते हैं। पोखर कहते हैं। अच्छा पोखर। अच्छा पोखर बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर सांप वगैरह तो नहीं होते? सब कुछ। अच्छा सांप वगैरह सब? अच्छा बत्तखें सब कुछ है, कछुए सांप सब होते हैं इसमें? अच्छा जी। तो कौन सा जामुन का पेड़ है इसमें? अच्छा ये वाला जामुन का पेड़ है इसमें, मतलब बहुत सारा जामुन आता है। चलो कभी आएंगे फिर जामुन के टाइम पे, फिर दिखलाएंगे। और बेरी का पेड़ मैंने, उसके बारे में, वो कौन सा बेरी का पेड़ है? एक यहाँ पे बेर का पेड़ है, मतलब उसके अंदर बेर है ना बहुत ही ज्यादा आते हैं। पेड़ ये टूट के गिरा था ना, ये ये पूरा टूट के गिरा हुआ है पेड़, मतलब ये है ना पूरा का पूरा, ये पूरा खड़ा हुआ था लेकिन हवा की वजह से या किसी और कारण से गिर गया है। हाँ तो ये पूरा गिर गया, लेकिन उसके बाद भी देखो पेड़ देखो, मतलब ये है ना पूरा पेड़, मतलब भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब सूख गया और नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि झोड़ की वजह से हो सकता है पानी पूरा मिल रहा हो और पूरा भरा हुआ है ये। तो बेर इसके अंदर आ रहे हैं, मैं आपको दिखला भी देता हूँ, अगर आपको दिख रहे हो तो देखो इसमें ना बेर ये काफी है, मतलब हर जगह बेर है, छोटे छोटे बेर है ना अभी, तो हरे हरे पत्ते हैं, हरे हरे बेर है, तो इसे नजर नहीं आ रहे हैं, तो बेर तो बहुत है ना। जितनी गर्मियां आती रहेंगी उतने पक जाएंगे, उतने ही पक जाएंगे। तो अभी ये यहाँ तक का एक्सप्लोर है। और जो भैंस मैंने आपको बताया, तो भैंसे यहाँ बंधी हुई है, ठीक है ना, इधर ही को चल लेते हैं। तो ये भैंसे बंधी हुई है, ये तो भैया मस्ती मार रही है एक तो इसके अंदर, ये देखो भाई दूर ही रहूंगा मैं तो, ठीक है। अभी ना हम आपको और चल के एक्सप्लोर दिखला। तो अभी क्या है कि ये खेतों के बीच में ना एक मंदिर है, और यहाँ पे एक पेड़ है ना, काफी साल पुराना पेड़ है, मतलब भाई से बात भी कराएंगे और वो बताएंगे भी, वो दिखलाते भी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे है ना, मतलब देख लो आप, पहले ना आपको एक बार लोकेशन दिखला, मतलब ये पूरा खेत ही खेत है, यहाँ पे कोई गाँव का मतलब कोई घर नहीं है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, मतलब पूरा के पूरा ना खेती बाड़ी है यहाँ पे, और उसके बीच में ना यहाँ पे ये मंदिर है। तो मंदिर के अंदर जो पेड़ मैं बता रहा था अभी आपको, ये है वो पेड़। तो ये पेड़ कितना पुराना है? 100-200 साल पुराना है, मतलब 100-200 साल पुराना है। अच्छा अच्छा बहुत पुराना हो गया, मतलब ये पुराना पेड़ है, तो काफी पुराना हो गया पेड़। ये देख लीजिए, मैं अभी आपको दिखला भी दूंगा थोड़ा अंदर चल के। और ये मंदिर है, ठीक है ना, चामन है। अच्छा चामन है। हाँ। अच्छा चामन अलग है? नहीं चामन ही है यहाँ। अच्छा चामन है। यहाँ पूजा किस टाइम होती है? सुबह शाम होती है, दो टाइम, बाकी फिर मंदिर बंद रहता है? नहीं खुला रहता है। अच्छा खुला रहता है, मतलब कोई किस घंटे? अच्छा 24 घंटे खुला रहता है। चलो फिर अभी आपको पेड़ दिखलाते हैं आगे चल के। कदम का पेड़ है? कदम का। तो पंडित जी मिल गए, तो पंडित जी से एक बार बात कर लेते। पंडित जी नमस्ते। तो पंडित जी ये पेड़ जो है ये कितना पुराना होगा? कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष पुराना है। तो इस पेड़ का नाम क्या है पंडित जी? कदम का पेड़ है। कदम का पेड़ है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का, बड़ी मेहरबानी। तो अभी आपको और दिखलाते हैं ना पेड़, लोगों को हम दिखलाते हैं कि पेड़ कैसा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। मैया कृपा है,
अच्छा मैया की कृपा है। अच्छा ठीक है, आओ फिर दिखलाते हैं पेड़। यहाँ से गेट तो यहीं से है और यहाँ हवन होता है। ठीक है, अभी बनाइए। अच्छा तो पंडित जी दिखलाएंगे। चलो पंडित जी आप ही दिखला दो, आ जाओ। दरबार खुल गए, जय माता दी। तो ये दर्शन भी कर लो आप मंदिर के। तो पेड़ दिखलाते हैं ना, आज तो चढ़ाओ चढ़ा देते हैं यार। ये पेड़ है, इसका तना है इतना बड़ा। ये पेड़ है, अंदर से खोखला भी है। अंदर से खोखला भी है। हाँ। तो जो पंडित जी बता रहे 5000 वर्ष मतलब पुराना पेड़ है ये वही है। तो सबसे मेन चीज तो यही है कि देखो 5 वर्ष मतलब 5000 वर्ष पुराना है और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गैप भी है अंदर, मतलब खोखला सा लग रहा है। और यहाँ पे इसमें तोते रहते हैं ना। अच्छा, तोते वगैरह यहाँ पे रहते हैं। तो ये पेड़ है यहाँ पे, क्योंकि आपको मैं दिखला देता हूँ सही से, एक बार थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखला देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी और जो भी है आगे के एक्सप्लोर है वो और दिखलाते हैं भी आपको। ठीक है, क्या कहते हैं पेड़ के बारे में? पेड़ के बारे में ये कह रहे हैं कि दो तीन पीढ़ी पहले जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग के बुजुर्ग जो यहाँ आते हैं, हाँ, वो यही बता रहे हैं कि ये पेड़ जो है काफी पुराना है। अच्छा, मतलब और कितनी सूखा पड़ जाओ कोई भी इस पर असर नहीं आता, ऐसे कैसे हरियाली। अच्छा, ऐसे कैसे, मतलब उन्होंने जो आपके मतलब बुजुर्ग हैं थे, उन्होंने मतलब ऐसे ही पेड़ देखा था, आज भी ऐसा कैसे है? बढ़ता ही है। अच्छा, बढ़ता ही है लेकिन घटता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत ही अच्छी मिली है। तो ये देख लेना और जो भी है ना कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, कच्ची सर फोर्ट है, मड फोर्ट के नाम से किला। अच्छा, है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ का राजा था तो उसी की रियासत आ गई थी। अच्छा, सारे में तो उसी का ही राज चलता था, तो उसी के जमाने में बना हुआ ये तालाब।